शेरी प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे पता है तुमसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे फिक्स नहीं कर सकते। मैं गैर लड़के के लिए अपने भाई को हथकड़ी लगवा दी? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी जमानत करवा दूंगी, पर अभी ये जरूरी है। निकल पानी तुमसे जमानत, मैंने दोस्त है मेरे, छुड़वा लेंगे मुझे पीछे आपको। आई हेट यू, गिरफ्तार कर लो इसे। हेट यू। डॉक्टर साहब आप फिक्र नहीं करें, बाकी लड़कों के घरों पे भी मैंने रेड भिजवा दिया, अब तक वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की मदद करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका क्या, आप यहाँ पर है? बस मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जब तक मैं इन लोगों की जमानत नहीं करा देती, आप इनका बहुत ख्याल रखिएगा। आप फिक्र नहीं करें, जिस जुर्रत का आपने मुजाहरा किया है आपकी कुर्बानी रायका नहीं जाएगी डॉक्टर साहब। थैंक यू। आर्यन उठो, टीना का फोन आया है, मरियम ने चारों को अरेस्ट करवा दिया। क्या? ये कब हुआ? आज सुबह मरियम ने पुलिस को खुद ही कॉल किया और अपने घर बुलाया और शेरी को गिरफ्तार करवाया और फिर पुलिस ने बाकी तीनों को कस्टडी में ले लिया। तो इसका मतलब है कि हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, मरियम बहुत मुख्तलिफ लड़की है, अगर इंसाफ के रास्ते में उसका भाई भी आ जाएगा ना, वो उसको भी नहीं बख्शेगी। और तुम खामोखा में उससे बदगुमान हो रहे थे। मरियम ने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरा ख्याल है तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो इस वक्त बहुत अकेली होगी। कहा था मैंने उस लड़के से पंगा मत लेना, फंसवाएगा मैं। लॉकअप में आ गए हैं यार। हमें यहाँ फंसवाने में आर्यन का कोई हाथ नहीं है, हम यहाँ हैं इसकी वजह शेरी की बहन है। बड़ी बड़ी बातें करता था ना, अब आ गई असलियत खुल के साथ। हाँ शेरी, तुझे तो बड़ा मान था ना अपनी बहन पे कि वो तेरे खिलाफ जा ही नहीं सकती। अबे यार चुप कर गया यार, पागल हो गए क्या तुम लोग? अभी ये सोचो निकलना कैसे है यहाँ से। अभी थोड़ी देर में इनको मिनिस्ट्री से कॉल आएगी और हम यहाँ से बाहर, किसी की क्या मजाल जो हमें यहाँ रखे। देख लेंगे बिली, हम देख लेंगे उसे जिसकी वजह से हम आज इस लॉकअप में बंद हैं। देख तो लेंगे उसको। छोड़ेंगे नहीं इस पर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे बात तो की होती तुमने। मैं तुम्हें इमोशनली बाउंड नहीं करना चाहती थी, और शेरी का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं बस तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ टीना, एक बहन के नाते प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। प्लीज मरियम ये नहीं करो, प्लीज देखो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम रिलैक्स करो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा।
लड़को खड़े हो जाओ, तुम्हारी जमानत हो गई है। डीएसपी साहब ने तुम्हें कमरे में बुलाया। देखा, लगता है अंकल की कॉल आ गई। आजा, मच्छर काट रहे हैं, स्प्रे ला दो। किसकी कंप्लेन पर बंद किया उन लड़कों को? किसी ने शिकायत की थी या कोई एफआईआर कटी है? जी सर, वो एक हॉस्पिटल की तरफ से जनरल एफआईआर कटवाई थी। वो उस लेडी डॉक्टर ने खुद इतला दी कि सर अपने भाई समेत उन लड़कों को गिरफ्तार करवाया था और उन्हीं लड़कों ने सर उस लड़की पर गोली भी चलाई थी। कोई गवाह, कोई सबूत है? एक पिस्टल बरामद हुआ है मौके वारदात में, जिससे फायर हुआ था सर। पिस्टल की फॉरेंसिक करवाई? नहीं, अभी तक नहीं सर। लड़की का बयान लिया है? जी, भिजवाया है उसकी तरफ। लड़की का बयान हुआ नहीं है, पिस्टल की फॉरेंसिक करवाई नहीं है, तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी इन लड़कों को अरेस्ट करने की, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर? ठीक है, तुम जा सकते हो। कैसे हो?